तो अब मैंने स्टेज के ऊपर इसके अंदर जो सी है वो शामिल की है क्रीम। आज की रेसिपी तैयार हो गई है, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा जो है, उसका कलर भी आ गया है। तैयार करता एक मसाला है खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी, ये देखें ये हम लोगों ने 12 मसालों से तैयार करता खास मसाला है। और थोड़ी सी हम लोगों ने मेथी डाली, बिल्कुल थोड़े अंदर हम लोगों ने धनिया हरी मिर्च भी डाल दी, डाल देते हैं ताकि जो इसकी खुशबू है हर चीज़ की मसालों का जायका उसके अंदर आ जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए तो जल्दी से हमारे कुकिंग विद नाज़रीन के साथ जुड़ जाएं और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। या आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है या आप सब लोगों का प्यार हमारी हौसला अफजाई है। तो व्यूअर्स आज हम लोग बहुत सीक्रेट मसाले तैयार करने वाला आलू गोश्त तैयार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने गोश्त लिया है, इसके अंदर एक चम्मच जो है लहसुन का पेस्ट और एक चम्मच लाल मिर्च का मैंने भरकर शामिल कर दिया। बहुत ही मज़े का आलू गोश्त तैयार होने जा रहा है, तो आप लोगों ने पूरा देखना है कि कौन कौन से स्पाइसेज हम लोगों ने यूज़ करने हैं। नमक एक चम्मच मैंने डाल दिया, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर भी मैंने डाल दिया है और प्याज। अभी फ़िलहाल हम लोग जिस तरह मतलब यूजुअली गोश्त हम सब पकने के लिए रखते हैं इस तरह रख रहे हैं, लेकिन फर्दर हम लोग किस तरह इसको मज़ेदार बनाएंगे कि इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और सब आपके आलू गोश्त के दीवाने हो जाएंगे। तो अब इसको पकने के लिए रख रहे हैं, मैंने इसके अंदर एक कप जो सा है वो पानी का भी डाल दिया है। तो अब इसको चूल्हे पर रख के उबाला दिलाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि पानी जो सा खुश्क हो रहा है गोश्त का, इसके बाद जो सा मैंने इसको अच्छे से भूनना है। कुकिंग ऑयल डाल के मैं इसकी भुनाई करूँगी इसमें 5 से 10 मिनट, क्योंकि हमारा खुशबूदार जो सा है मटन हम लोग गोश्त की जो रेसिपी तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे आलू गोश्त तैयार कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाली है। तो इसके लिए हम लोग जितनी ज़्यादा इसकी भुनाई करेंगे उतनी ज़्यादा ये जो हमारी रेसिपी मज़ेदार सी तैयार होगी। तो पानी अभी है, इसको मैं खुश कर लेती हूँ और फिर इसकी भुनाई करते हैं गोश्त की और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं कौन से जो सीक्रेट स्पाइसेस हैं जिसकी वजह से इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलेगी और आप सबके जो से हैं वो फेमस शेफ बन जाएंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि पानी जो सा बिल्कुल खुश्क हो गया है और ये देखिए क्रीमी सा जो सा है वो टेक्सचर इसका आ गया है, ये देखिए गाढ़ा हो गया है। तो अब मैंने स्टेज के ऊपर इसके अंदर जो सी है वो शामिल की है क्रीम। तो क्रीम आप लोग इसको चाहें तो बीट करके भी डाल सकते हैं, तो वैसे भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये क्रीम डाल दी, क्रीम से जो सा है आपका आलू गोश्त का सालन बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। ये एक सेपरेट सी और एक डिफरेंट सी यूनिक सी चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोश्त में, जो इसको बहुत ही लजीज बनाएगा। मैंने इसके अंदर क्रीम शामिल की तकरीबन 5 से 6 चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो सा क्रीम का वो जायका इसके अंदर आ जाए और फिर इसकी भुनाई करते हैं गोश्त। तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया, अब इसके बाद हम लोग इसको शामिल करने हैं आलू मज़ेदार से हमारे यहाँ पे रेसिपी तैयार हो रही है आलू गोश्त की। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और ज़रूर करना है और आप लोगों ने पूरा देखना, आप लोग ना वीडियो को पूरा देखते हैं ना लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, गर्मी में इतना खाना पकाते हैं, तो एक लाइक से आपको कुछ नहीं लगा, लेकिन हमारी सपोर्ट होने लगी। आपको देख रहे हैं कि आलू ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि हमें आलू पसंद है, इसलिए हम लोगों ने आलू ज़्यादा डाले हैं। आलू गोश्त तो सबको ही पसंद है लेकिन हमें आलू कुछ ज़्यादा पसंद है। तो क्या कहते हैं, एक दफ़ा का जिक्र होता, हमारे जो हमसाए थे हम गुजरे थे घर के आगे से, तो उनका एक बच्चा ऊंची आवाज़ में कह रहा था अम्मी 1 बोटी 2 आलू मतलब लोगों को भी आलू ज़्यादा पसंद है, कुछ घरों में मतलब होता है 1 बोटी का रिवाज होता है, लेकिन हमारी मम्मा ने कभी हमें कोई 1 बोटी नहीं दी। या ये भी होता है कि मेहमानों के लिए बना देते हैं खाना, घर वाले बच्चों को मन नहीं लगाते, तो हमारे वो वाला भी सीन नहीं है। हमारी मम्मा ने हमेशा हमें दस्तरखान पर बिठा कर मेहमानों के साथ जो उनको खिलाया वही हमें खिलाया, वरना हमारा वो वाला हाल नहीं है कि मेहमान जाते ही सारे हल्ला बोल देते हैं। अच्छा, इसने मेरी बात को बुरा नहीं माना, मैं वैसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जनरल चीज़ है ये होती है आप सब घरों में। अच्छा, अब हम लोगों ने 1/2 टेबल स्पून जो सा वो जीरा भी शामिल कर देना है। अच्छा, इस स्टेज पे आप लोगों ने अगर नमक मिर्च को चेक करना है तो आप लोग कर सकते हैं और खुशबूदार आलू गोश्त को तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इसको 2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर जो सा 1 कप पानी का वो शामिल कर दी थी। गोश्त आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं सॉफ्ट कर लेना क्योंकि हमने इसकी भुनाई करनी है और आलू के साथ भी इसे पकाना है तो बिल्कुल ही ये लेटी और हलवा हो जाएगा। थोड़ी सी कसर रख के आप लोगों ने गोश्त को पकाना है। चले, अब ये भून गया है, अब मैं इसके अंदर जो सा वो पानी भी शामिल कर रही हूँ 1 कप। आप लोग अपने मुताबिक इतना शोरबा आप लोगों ने बनाना है कर लेते हैं, बस इतना बहुत। अब इसके उबाला दिला के मैं पकने के लिए रख रही हूँ। तो व्यूअर्स अब देखते हैं कि मेरी आलू गोश्त की रेसिपी तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा जो है उसका कलर भी आ गया है और घी भी इसके ऊपर आ गया है। अब मैंने जो उसकी खुशबुओं को दुबाला करने के लिए इसके अंदर ख़ास मसाला शामिल करना है। ये 12 मसालों से तैयार करता है एक मसाला है, खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी। ये देखें, ये हम लोगों ने 12 मसालों से तैयार करता खास मसाला है, लेकिन अभी किल्लत की वजह से मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही कि किस तरह कौन कौन से 12 मसाले जो उसे यूज़ किए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। और थोड़ी सी हम लोगों ने मेथी डाली, बिल्कुल थोड़ी सी हम लोगों ने डाली है
ज़्यादा नहीं, सारा कमाल ये 12 मसालों का होगा जो हम लोगों ने इसके अंदर डाले हैं। अब साथ ही हम लोगों ने इसी स्टेज के ऊपर इसके अंदर हम लोगों ने धनिया हरी मिर्च भी डाल दी, थोड़ा सा मैं ऊपर से गार्निश करने के लिए रख लेती हूँ। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका ढक्कन लगा देते हैं ताकि जो इसकी खुशबू है हर चीज़ के मसालों का जायका उसके अंदर आ जाए और फिर इसको करते हैं डिश। ये तो बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह गर्मा गर्म जो सा आलू गोश्त हो गया है तैयार। ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर धनिया डाल के और ये एक हरी मिर्च रख के इसको कर रही हूँ गार्निश। तो आई होप कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और हमारे चैनल को क्योंकि नाजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और हमें अपनी फ़ीडबैक दें और लेते हैं अब आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।